फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑयल एंड गैस के शेयरों के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। स्पेशली बात करूं तो ऑयल रिफाइनरी स्टॉक के बारे में, जिसमें आज भयंकर पिटाई होती हुई दिखाई दे रही है। पिटाई के पीछे सरकार का बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था, जिसके चलते बात करें रिलायंस की, बात करें ONGC की, बात करें ऑयल इंडिया की, इसमें 10 से 15% की बड़ी कट आती हुई दिखाई दी। इसके पीछे कारण बात करूं तो यहाँ पे सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला आया, परंतु इस वीडियो के माध्यम से हम रिलायंस के बारे में डेफिनेटली बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे ऑयल इंडिया और ONGC के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट की सिचुएशन आपको दिखाई दी। तो ऑयल इंडिया और ONGC में आगे जाकर के क्या रणनीति होनी चाहिए और जिस तरह का सरकार ने फैसला लिया है, उसकी असर आपको किस तरह की देखने को मिल सकती है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करने की कोशिश करूँगा। वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। तो सबसे पहले क्या बात करूं, यहां पे बात करना चाहूंगा ONGC के शेयर के बारे में, जिसमें आज आप देखें 13.5% की भयंकर गिरावट, 131 रुपए के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है और यहाँ पे इंट्राडे लो के आसपास ही इसकी क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। 130 का यहाँ पे लो मारा है और 131 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। और बात करें ऑयल इंडिया की, तो इसकी सिचुएशन तो ONGC से भी खराब है। यहाँ पे देखें 214 रुपए के आसपास क्लोजिंग, इसमें 15% की बड़ी गिरावट, 37 रुपये डाउन। और इसमें भी बात करूँ तो बहुत ज़्यादा रिकवरी कोई नहीं आई है, 210 का लेवल यहाँ पे संभालने की कोशिश करी और यहाँ पे क्लोजिंग हुई है 214 रुपये के आसपास। तो सरकार ने ऐसा क्या बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, जिसके चलते रिलायंस, ऑयल इंडिया, ONGC जैसे शेयरों में बड़ी गिरावट की सिचुएशन देखने को मिली। तो उस खबर के ऊपर ही डायरेक्टली मैं आपको लेकर के आना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। ONGC एंड ऑल इंडिया सिंक एज गवर्नमेंट इम्पोज वाइंडफुल टैक्स ऑन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्शन में एक एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, जिसके चलते क्या है कि कंपनियाँ ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। जी हाँ, यहाँ पे बताना चाहूँगा पूरी मैटर की। यहाँ पे जो 23,250 रुपये पर टन के हिसाब से यहाँ पे क्रूड एंड ऑयल प्रोडक्शन में यहाँ पे भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी एडिशनली बढ़ाई है, मतलब कि पहले ड्यूटी थी, इसके ऊपर एक और ये ड्यूटी भारत सरकार ने लगा दी है, जिसके चलते क्या है कि यहाँ पे वो जो एक्सपोर्ट है वो उसका काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। जी हाँ, और इसी के चलते यह भी माना जा रहा है कि ग्लोबल प्राइसों में जिस तरह की ऊपर अप डाउन हो रही है, ग्लोबल प्राइसों में जिस तरह की हाइक देखने को मिल रही है, इसका यहाँ पे जो बेनिफिट मिलने वाला था इन कंपनियों को, वो अभी बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। और इसके चलते आगे जाकर के जो अर्निंग है इस कंपनी की, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है। यह सब भारत सरकार ने यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए किया है, परंतु इसका काफ़ी ज़्यादा खामियाजा यहाँ पे ऑयल शेयरों में देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पे ग्लोबल जो ऑयल की दामें बढ़ रही है, इसके चलते काफ़ी ज़्यादा इसकी रेटिंग्स को अपग्रेड किया था और यहाँ पे 2022-23 में जो रेटिंग थी उसमें शार्प बाउंस आ सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया था, एंटिसिपेट किया था, परंतु अभी इस खबर से ये जो रेटिंग है वो फिर से रिवर्स होती हुई देखने को मिल सकती है। ऐसी बातें भी रिपोर्ट में निकलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताना चाहिए कि 2022 में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है ग्लोबली, वो 40% बढ़े हैं, जिसके चलते इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फायदा होना था, परंतु अभी क्योंकि ड्यूटी बढ़ गई है और यहाँ पे एक्सपोर्ट काफ़ी महंगा हो चुका है, तो इन सभी चीज़ों का फायदा अभी लिमिटेड होगा। जी हाँ, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसी के चलते यहाँ पे तो मार्केट में इन शेयरों की पिटाई होती हुई दिखाई दे रही है और मुझे लगता है ये जो फॉल आया है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, तो इन शेयरों में आपको डेफिनेटली अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा, दोनों के चार्ट पे यहाँ पे किस तरह की सिचुएशन है वो बताने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो के साथ डेफिनेटली बने रहे। तो दोस्तों, ONGC के चार्ट पे लेके आए और यहाँ पे देखिए बढ़िया तेज़ी का माहौल ONGC में चलता हुआ दिखाई दे रहा था। देखते देखते यहाँ पे 190 का हार रिसेंटली ही मारा था और वहाँ से कॉन्टिन्यूसली हालांकि गिरावट की सिचुएशन दिखाई दे रही है। कल यहाँ पे देखिए तो 150 के आसपास बाउंस बैक करने की कोशिश करी थी और वहाँ से जो सेल ऑफ आता है दोस्तों वो देखते ही बनता है। यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट एरिया था 130 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेकर के अच्छी मूव आई थी, ये दूसरी बार भी सपोर्ट लिया था और आज भी इसी लेवल के आसपास संभलने की कोशिश करी है। मुझे लगता है ये दो बार टेस्टेड लेवल है, यहाँ पे ज़्यादा देर टिक पाना है नहीं, तो यहाँ पे 130 का लेवल जैसे ही टूटेगा 118 का द्वार खुल जाएगा और इसके नीचे 108 का लेवल भी यहाँ पे आ सकता है। तो ONGC में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ऊपर की तरफ अभी जो स्ट्रॉन्ग हर्डल है वो 150 का लेवल है, जब तक 150 के ऊपर नहीं क्लोज होता तब तक यहाँ पे ONGC में प्रेशर बना रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग
प्रेशर आया है वो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ भी आया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और RSI का लेवल भी नोज डाइव कर चुका है, आप देख सकते हो 37 के आसपास RSI का लेवल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बात करना चाहूँगा, ऑयल इंडिया की सिचुएशन भी सिमिलर है, हालांकि इसमें कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा हुआ था और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट भी आया था, और देखते देखते 310-305 के आसपास का बनता है और वहाँ से शार्प गिरावट की सिचुएशन आती है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास मंथली सप्लाई जोन था, वहाँ से बाउंस बैक करने की भी कोशिश करी। हाल फिलहाल में 250 का हाई बनाया और उसके बाद आज जो गिरावट की सिचुएशन आई है वो यहाँ पे गिरावट अपने आप में बहुत बड़ी गिरावट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो सपोर्ट एरिया 210 के आसपास, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बार उसने यहाँ पे ही संभलने की कोशिश करी है और आज भी इसी लेवल के आसपास संभलने की कोशिश करता हुआ ऑयल इंडिया दिखाई दिया। परंतु मुझे लगता है 210 का जैसे ही लेवल टूटेगा 195 के नीचे की तरफ टारगेट और इसके नीचे 172 के टारगेट भी आपको ऑयल इंडिया दिखाता हुआ नजर आएगा, तो इसमें भी कोशिश रहने की पूरी पूरी जरूरत है। ऊपर की तरफ 225 और 245 अपने आप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हडल आपको दिखाई दे सकते हैं जब भी यहाँ पे ऊपर की मूव आएगी। इसमें भी वॉल्यूम के साथ ही सेलिंग हुई है और इसका RSI का लेवल भी 38 के आसपास है, तो दोनों में वर्स सिचुएशन बनी है। इनफैक्ट यहाँ पे रिलायंस की बात करें तो उसमें भी सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवर्स होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑयल के शेयरों में जरा अलर्ट रहें, अगर आपके पास अभी भी प्रॉफिट में बैठे हो तो यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बांधने की कोशिश करें, ऐसी मेरी सलाह होगी। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।